जैसा कि सारे पशुओं का मिल्किंग हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं जो मिल्क की कैन है वह रेडी है और हम इसे रोजाना की तरह पानी के अंदर रखने वाले हैं, जिससे कि यह मिल्क खराब ना हो और ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म दूध रहता है जब हम मिल्किंग करते हैं, यानी कि पशुओं का जब दूध निकालते हैं तो उस समय काफी गर्म रहता है। ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है, तो दूध खराब ना हो इसके लिए हम इसे पानी के अंदर रखते हैं। कैन रख दिए हमने पानी के अंदर। आज शेयर करने वाले हैं एक जानकारी, खास जानकारी हमारे फार्म की, जो खुशखबरी है वह, तो देखते हैं क्या है वह खुशखबरी, चलिए चलते हैं। तो ये जो काम आप देख सकते हैं, यह जो है टाइसन की मिक्स ब्रीड है, यानी कि जर्सी की मिक्स ब्रीड है, और कितनी प्यारी यह काफ है। इसकी जो AI हमने करवा दी है, इसकी AI आज ही करवाई है, यानी कि अभी इसकी AI करवाई है, क्योंकि जो गर्मी है रात के समय में कम होती है, जिससे कि यह कंसीव के ज़्यादा परसेंटेज होते हैं। यदि आप पशुओं की AI करवाएं तो AI का जो समय है ठंडा होना चाहिए, यानी कि सुबह लगभग 8 बजे के आसपास और शाम को 6 बजे के आसपास का समय होना चाहिए, जिससे कि पशु अच्छे से कंसीव कर सके। तो इसका जो AI हमने करवाया है गिर बोल से करवाया है, यानी कि गिर बोल के जो सीमन है उससे AI करवाई है, जिससे कि यह जो काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें दे सके। और मिल्किंग का तो श्योर है कि लगभग 25 लीटर इसका फर्स्ट लैक्टेशन में होना ही चाहिए, क्योंकि जो ब्रीड है काफ़ी अच्छी ब्रीड है और काफ़ी प्यारी भी यह काफ है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यह काफ है, और लगभग यह 3 बार हीट में आ चुकी थी, तो इस बार यह 3री बार हीट में आई थी, तो हमने इसका जो AI है वह करवा दिया है। तो यानी कि काफ़ी शांत है, थोड़ी चंचल जरूर है पर काफ़ी शांत यह काफ है, आप देख सकते हैं। यदि आप काप पालते हैं तो काप को हाथ लगाना, यानी कि काप को दिन में एक बार या 2-3 दिन में एक बार हाथ लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि जो काप हैं काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं, काफ़ी अच्छे से आपके साथ घुल मिल जाते हैं, और जब वह बड़े होते हैं तो जब मिल्किंग का समय आता है तो वह आपको परेशान ना करे और अच्छे से हाथ लगाने दें आपको, और कोई समस्या आपको ना हो मिल्किंग के समय, और काफ़ी जो बेहतर है रिजल्ट आप ले सकें। तो आपको पता है ही है कि हमारे सभी गाय काफ़ी शांत गाय हैं और काफ़ी बेहतरीन जो उनका मिल्किंग रिकॉर्ड है और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो काफ़ी शांत गाय रहती हैं जो HF गाय होती हैं। कुछ मिक्स गाय जो होती हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, पर उनको ज़्यादा प्यार देने से, ज़्यादा सहलाने से और काफ़ी बेहतर उनका परफॉर्मेंस आपके प्रति हो जाता है, उनका लगाव आपके प्रति हो जाता है।